राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ पेपर लीक की घटनाओं में रासुका लागू करने को लेकर शहीद स्मारक पर एकजुट हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी तादाद में जो बेरोजगार है यहां पर पहुंचे हैं और लगातार सरकार से मांग की जा रही है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं, क्या कुछ मांगे हैं क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं थम नहीं रही है? देखो, पेपर लीक की घटनाएं नहीं थमी, कांग्रेस 2023 में किसी भी हालत में नहीं आएंगी। अरे भाई एक बार रुकना, मांग रुक, हम पेपर लीक मुक्त राजस्थान की मांग कर रहे हैं कि 10 भर्ती परीक्षाओं का पेपर बिल्कुल लीक हो चुका है। और इसके अलावा हम रासुका जो कानून की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं, एनएसए की मांग कर रहे हैं। 48,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होनी है, सीईटी होनी है, 1,00,000 पदों पर सरकार भर्तियां निकालने का दावा कर रही है, तो उनको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? डकैत डाकू हैं जो बसों में पेपर बेच रहे। देखो एक उदाहरण दे रहा हूँ, राजस्थान पेपर नकल सेवा, ये बस कह रही है बैठो तो सही पास करा दूँ, ये अभियान चल रहा है। अब 21, 22, 23 को ये बस गई थी, इसका क्या होगा? क्या ये पेपर लीक नहीं हुआ? क्या इन सेकंड ग्रेड भर्तियों को न्याय नहीं चाहिए? ये अभ्यर्थी कहाँ का, किस किस के पास पेपर गया, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और इसके अलावा जो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे, तमाम भर्तियों की सीबीआई की मांग करो, जो हम कर रहे हैं कि एसओजी रिपेबल हो चुकी है और एसओजी अभी तक क्या कर पाई? अभी तक कई भर्ती परीक्षाओं का उनका अंतिम खुलासा नहीं कर पाई। जैसे हम कह रहे हैं, आपने सुरेश डाका को, सुरेश बिश्नोई को पकड़ तो लिया, डाका तो नहीं पकड़ा लेकिन बिश्नोई को पकड़ लिया, लेकिन डाका को पकड़ लेंगे, लेकिन अंतिम छोर वो कहाँ से पेपर लेके आए? कौन सरगना, कौन सा नेता है, आरपीएस से लिया तो कौन सा अधिकारी, उसका खुलासा होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि मैं अधिकारी जो कर्मचारी जो पकड़े गए उनको निलंबित कर दिया, अरे उनको बर्खास्त करो। जो कोचिंग है उसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाओ, सील करो, संपत्ति जब्त करो। हर बार केवल आश्वासन मिल रहा है, आगे अगर इस बार भी आश्वासन मिलता है तो किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? हमने ऐलान कर दिया ना, यह सांकेतिक प्रदर्शन है और 9 फरवरी से पूरे राजस्थान में न्याय एवं रोजगार दो यात्रा निकाल रहे हैं। 200 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी और हम पेपर लीक मुक्त राजस्थान की मांग कर रहे हैं, रासुका का कानून लागू किया जाए और सेकंड ग्रेड के इन अभ्यर्थियों को न्याय मिले। ये कह रहे हैं कि भैया जब 24 तारीख को कह रहे पेपर रद्द कर दिया, उन भर्ती परीक्षाओं क्या होगा? वो पेपर लीक नहीं हुआ, इन्होंने कहाँ कहाँ दिया, उनकी जाँच हो, उनको डिबार करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो सेकंड ग्रेड के भर्ती के अभ्यर्थी कह रहे हैं हमें न्याय मिले। एसआई और फर्स्ट ग्रेड के जो पहले एग्जाम हो चुके हैं उसमें भी कई फर्जी लोगों का चयन हो रहा है, उसकी जाँच करें, पता लग जाएगा कितने लोगों ने फर्जी लोग जो लगे हुए हैं, तो इनकी जाँच होनी चाहिए। राजस्थान के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए और तमाम जो 10 सूत्री जो सुझाव मैंने सरकार को दिए उनको तत्काल लागू करें। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर पेपर लीक की घटनाएं थम नहीं रही हैं, तो इसी को लेकर बेरोजगारों ने आवाज उठाई है कि रासुका लागू हो। अगर रासुका लागू नहीं होता है तो बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश भर में आंदोलन बेरोजगारों की ओर से किए जाएंगे। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।